हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल माय टेक सॉल्यूशन। आई एम योर होस्ट मोहम्मद बाबर, और आज मैं आप लोगों के लिए एक और वॉच का रिव्यू लेकर आया हूं, जो कि है वाई वन स्मार्ट वॉच का। अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं प्रॉपरली, तो आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। सो ज़्यादा वक्त को ज़ाया ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अगर आपने ये वॉच परचेज़ करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, सो लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो ये है हमारी स्मार्ट वॉच Y1। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे पास बॉक्स में रैप है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। आपको इसके साथ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। वो है हमारे इसकी चार्जिंग केबल, जो कि आपको नज़र आ रही है, और साथ ही आपको मिलेगी एक बैटरी, ठीक है, जो हम इसमें इंसर्ट करके तो इसको प्लग इन प्ले करेंगे। सो मैं इसको भी फ़िलहाल साइड पर कर देता हूँ, इन चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और अपनी वॉच को हम करते हैं ओपन। ये रही है हमारी वॉच, और इसका डायलर गोल्ड डायलर है, और ये काफ़ी खूबसूरत वॉच है, ठीक है। इसको मैं ऑन करता हूँ, लेकिन ऑन करने के लिए मुझे इसमें बैटरी डालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले इसमें बैटरी डाल लेते हैं। ओके, तो बैटरी इंसर्ट हो चुकी है, अब इसको हम करते हैं यहाँ से ऑन। ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, इससे हम इसको कर लेते हैं ऑन। ठीक है, तो ये हमारी वॉच हो चुकी है ऑन। इसके अंदर आपको जैसे कि नज़र आ रहा है इसके फीचर्स, इसमें आप सिम डाल सकते हैं। सिम के अलावा पहले मैं आपको अगर दिखाऊं इसका बैक से, तो जहां पे हमने बैटरी इंसर्ट की है वहां पर आप मेमोरी कार्ड की भी आपको स्लॉट दी गई है। यहां पे आप मेमोरी कार्ड डालेंगे और यहां पर आप अपनी सिम डालेंगे, तो डायरेक्ट आप इसमें सिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी डालकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इससे कॉलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर रिसीव कर सकते हैं कॉल, और इसके अलावा मैसेजिंग भी आप यहां से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ अगेन से बंद। ठीक है, तो वॉच ये ऑन हो रही है, इसका साउंड शायद आपको सुनने में मिला होगा, इसके अंदर यहाँ पर स्पीकर भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्पीकर है, यहाँ से आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी। यहाँ पर आपको नीचे दिखाता जाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आइकन बना हुआ है कॉल का, जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप नंबर्स को डायल करके तो कॉल कर सकते हैं। इसमें आप माइक भी यहाँ पे लगा हुआ है, इससे डायरेक्ट आप वॉइस ट्रांजिट और रिसीव भी कर सकते हैं। वॉइस रिसीव करने के लिए स्पीकर यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा मौजूद है। कैमरे का रिज़ल्ट कोई इतना खास नहीं है, विजय कैमरा है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ से आप मैसेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, राइट मैसेज इनबॉक्स एंड ड्राफ्ट, ठीक है। तो मैं राइट मैसेज करूँगा तो आप यहाँ पर जस्ट मैसेज को टाइप कर सकते हैं यहाँ पर बटन्स की मदद से, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके इसको सेंड कर सकते हैं, अगर इसमें सिम मौजूद होगी तो आप इसके साथ इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ बैक, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, और अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपने इसके अंदर देखना हो कि फ़ोन बुक है इसके अंदर, इसके अलावा आप इसमें कॉल लॉग चेक कर सकते हैं, इमेज व्यूअर है जो आपने पिक्चर्स खींची हो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लूटूथ सिंक भी कर सकते हैं, अगर आप अपने इसमें सिम नहीं डालना चाहते और अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते तो ब्लूटूथ के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी मोबाइल्स पर आपको कॉल्स आएंगी वो आपको आपकी वॉच पर मौसूल होंगी। इसी तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन मौसूल होंगी, ब्लूटूथ है, इसमें कैलेंडर है। इसके अलावा आप इसके ऊपर सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग्स में भी काफ़ी कुछ है, आप इसके अंदर इसकी अपनी भी कुछ रिंगटोन्स वगैरह होंगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिमाइंडर है, कैलकुलेटर है, अलार्म इसके अंदर मौजूद है, प्रोफाइल है, फाइंड माय फ़ोन, ऑडियो प्लेलिस्ट, इसके अलावा म्यूज़िक है, मैसेजेस, रिमोट कैमरा। कैमरे की अगर आपको डिटेल दिखाऊँ तो वो बहुत ही क्वालिटी ख़राब का कैमरा, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखे कि ये इसमें कैप्चर कर रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी फ़िलहाल स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, बहुत ही माइनर सा इसके अंदर रिज़ल्ट नज़र आता है, क्योंकि इसमें विजय कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो इतना ख़ास कैमरा नहीं है ये। इससे मैं बैक चले जाता हूँ अगेन से, आपको इसके अंदर यहाँ पे जो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह है ये काम इसमें नहीं करते। सो इसके अंदर आपको अगर कोई कहता है कि फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह चलेगी तो ये नहीं चलेगी। प्लीज़ इंसर्ट इसके अंदर वो कहता है सेम करें, हाँ अगर इसमें 2G की ऑप्शन हो तो चलेगी।
सो आई थिंक इसमें 2G की ऑप्शन नहीं है, सेटिंग में जाके चेक कर लेते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग फ़ोन एंड कनेक्टिविटी में चले जाते हैं तो कनेक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रोफाइल फ़ोन सेटिंग में चले जाते हैं तो इसमें भी हमारे पास बैकलाइट लैंग्वेज। सो इसमें ना तो 4G है ना 3G है, सो इसमें आप ना तो वाईफाई है, सो इसमें आप ये जो इंटरनेट से चलने वाली चीज़ें हैं वो इसमें नहीं चला सकते। लेकिन उसके अलावा इसका काम आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आप वॉच के डायलर्स भी हैं, वो भी अगर आप चेंज करना हो तो वह आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए वॉच का डायलर चेंज हो गया, अगेन से मैं करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए ये डायलर चेंज हो गया। जो सा डायलर आपको रखना है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जस्ट क्लिक के बेस के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वॉच पसंद आई होगी। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, गुड बाय।